कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सब। चलिए शुरू करते हैं कैप्सूल। हम लोग पढ़ रहे थे कैप्सूल के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे, तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज का पार्ट वन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम पार्ट टू लेकर आए हैं और पार्ट टू में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आ रहे हैं। और इस 30 क्वेश्चन में हम बात करेंगे कुछ अलग क्वेश्चन के। तो उठा लीजिए पेन और पेपर और लिखना शुरू कीजिए कि आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया है। कैप्सूल से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं टैबलेट कैप्सूल से जीपैड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव द ml कैपेसिटी, यानी कितनी कैपेसिटी होती है 3 साइज के कैप्सूल की। तो सही ऑप्शन आप चूज कीजिए। ऑप्शन बी है 0.95 ml, लेकिन मुझे इस पर डाउट है फ्रेंड्स। एक बार आप लोग गूगल करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ट्राइप आ जिलेटिन टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच, ठीक है। तो ए टाइप ए जो जिलेटिन होता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस पीएच पे होता है, कितना होता है? तो इसका सही जवाब आपके सामने है दिया पीएच नंबर 2 एसिडिक होता है पीएच 2 पे। थ्री, जिलेटिन यूज फॉर सॉल्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन ppm ऑफ आयरन, ठीक है। जिलेटिन में आयरन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कितना मैक्सिमम ppm होनी पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपने चूज किया है और ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 15। फोर, मोर एल्कलाइन प्रोडक्ट इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैन कॉज, ठीक है। उस जिलेटिन कैप्सूल के अंदर अगर हम कोई प्रोडक्ट भर रहे हैं लिक्विड, मोस्ट एल्कलाइन, ज़्यादा एल्कलाइन नेचर का, तो क्या कर सकता है? जी हाँ जी, कार्ड्स रफनेस। फाइव, पिक फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द स्टेप्स कोसर्वेशन माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथोडोलॉजी, इसमें से कौन सा चीज़ गलत है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन आपने पढ़ा होगा। द राइट ऑप्शन इज सी, डिपोजिशन ऑफ कोटिंग इज एन एडवांटेज ऑफ HP ओवर कैप्सूल, ठीक है। कौन सा एडवांटेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोट वाटर सॉल्युबिलिटी। ड्यू टू द सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल ऑल द फॉलोइंग मेजर डिफेक्ट इन टैबलेट कोटिंग ऑकर्स एक्सेप्ट, द राइट ऑप्शन इज ए ब्रिजिंग। एट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल सेल्स शुड बी बिटवीन, कितने होना चाहिए? राइट ऑप्शन इज डी, 20-25%। नाइन, इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू फिल पिलेट्स इन कैप्सूल, इन द राइट ऑप्शन इज बी, रोटोसॉर्ट। टेन, ब्लूम इज अ मेजरमेंट फॉर ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स, द राइट ऑप्शन इज सी, इलास्टिसिटी। टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन, दिस इज बी, 4-5। 12, एम्पेटिक कैप्सूल्स ऑफ जिलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट परसेंटेज RH, यानी कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उसकी एम्पेटिक जिलेटिन कैप्सूल का, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो सही जवाब है इसका 1-5, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार गूगल में देख लीजिएगा और फिर मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, मुझे डाउट है इस पर। 13, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड रिमूव्स द अनफिल्ड कैप्सूल, बी, वेरी गैप। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव, यस, ऑप्शन नंबर बी, कैप्सूल। कैप्सूल जो होते हैं काफ़ी मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। 15, कैप डिजॉल्व्स एट pH, कैप्सूल्स होते हैं बॉडी में जाते हैं ना, डिजॉल्व हो जाते हैं किस pH पे? तो सही जवाब है इसका 4, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इज यूज एज ओपेसिफायर, ठीक है ना, चमकाने के लिए कैप्सूल चमकाया जाता है, ओपेसिफायर यूज किया जाता है, तो कौन सा सही ऑप्शन है? जी हाँ, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 17, ग्रीन बोन इज सोर्स ऑफ, डी, किसी का नहीं। एम्प्टी कैप्सूल्स हैव मॉइस्चर कंटेंट इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन नंबर डी, 30%। 18, विच ट्रीटमेंट इज यूज फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, ऑप्शन नंबर ए, हीट, ठीक है, गर्म करके उसको डिजॉल्व करते हैं। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फिल पाउडर ड्राई सॉलिड इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रोटोबेल। 21, सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय, किस टेम्परेचर पे सीलिंग करते हैं कैप्सूल की? द राइट ऑप्शन इज 20 डिग्री सेल्सियस। 22, द सेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मेड इलास्टिक और प्लास्टिक लाई बाय एडिशन ऑफ, क्या डाल कर इसके उसके नेचर को हम चेंज कर सकते हैं, इलास्टिक प्लास्टिक कर सकते हैं, तो क्या होता है मटेरियल बेसिकली? दिस इज द राइट ऑप्शन इज सॉर्बिटॉल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23, द डिसइंटीग्रेटिंग टाइम ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज, कितना होना चाहिए, कितनी जल्दी वो डिजॉल्व होना चाहिए, कितनी देर टूटना चाहिए, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15 मिनट्स। 24, द कैप्सूल नॉर्मली फॉल्स इंटू टू मेन कैटेगरीज, विच आर दे, किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कैप्सूल को? सभी जानते हैं, बहुत ही आसान जवाब है, ठीक है, यस, पहला ही सही है, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। 25, कैप्सूल्स एट डोजेस फॉर्म कंटेन ऑफ ड्रग, कैसा होता है बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा अगर तो, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यूनिट डोजेस फॉर्म है। 26, बेसिक एम्प्टी कैप्सूल सेल्स आर मेड अप फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, किसके मिक्सचर से बने होते हैं एम्प्टी सेल्स कैप्सूल? सबको पता है, जी हाँ, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, जिलेटिन, वाटर और शुगर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गैलेटॉन इज इन एयर व्हेन ड्राई, ठीक है, स्टेबल या अनस्टेबल किस फॉर्म में होता है, क्या होता है, तो सही जवाब है ये, स्टेबल होता है ड्राई फॉर्म में, ठीक है, बी इज करेक्ट। 28, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हैव मॉइस्चर कंटेंट देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है, कितना होना चाहिए, ज़्यादा कम बराबर, तो आपको तो पता ही होगा इसका जवाब, आसानी है, जी हाँ, सी, हाई होना चाहिए, यस। 29, द नॉर्मल सेल कंटेन ऑफ मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर होता है नॉर्मल सेल्स में, तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, कम से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है, 12 से 15%। 30 है, कैप्सूल्स आर टू स्वेलोड, कैसे स्वेलो करने में कैसा होता है, दिक्कत है कि आसानी है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, इजी, बहुत आसान होता है निकलना इसको, ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे इसके सारे आंसर, और सी इज़ द, अगेन सी इज़ स्टूडेंट मिस कोमल रानी फ्रॉम शामली उत्तर प्रदेश फ्रॉम GVM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सी इज़ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट एंड सी सेंड्स दिस क्वेश्चंस। आप भी जुड़ना चाहते हैं अगर हमारे साथ और भेजना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, लर्न एंड अर्न कॉन्सेप्ट, आप पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करिए अपने आप को gpat.kclpharmacy.com के साथ और भेज दीजिए अपने MCQs मुझे WhatsApp पे या Gmail के थ्रू, किसी के थ्रू भेज सकते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड, हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में कितने सवालों का जवाब आपने सही दिया है।